छूलेंगे आसमान। वेंडी वेंडी वेंडी, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? क्या हुक के चेहरे के लिए मेरे पास पिंक कलर नहीं है? तो उसे लाल कर दो, वो वैसे भी जोकर जैसा है। ओ हाँ, अच्छा आइडिया है। कुकीज जो मैंने स्कूल के लिए बनाई थी। और कुकीज को थोड़ा और पकाते तो जल जाती। थैंक यू सो मच जॉन, मैं अपना बायोलॉजी प्रोजेक्ट कर रही थी जो फ्लास्क के ऊपर है। ऐसा ही कि एक वक्त पर टीवी देखना, म्यूजिक सुनना, कुकीज बनाना, फूलों की पहचान करना आसान नहीं होता है ना माइकल? काश मैंने ब्रश कर लिया होता, पता नहीं तुम कुकीज बनाते बनाते इतनी चीजें कैसे कर लेती हो। आओ, मुझे इसकी आदत है, बस और कुछ नहीं। नाश्ते का बिल्कुल वक्त नहीं है दोस्तों, चलो नेवरलैंड चलते है। हम एक पैतरा करेंगे हुक पर, ये बड़ा ही दिलचस्प होगा, बस तुम सबका साथ चाहिए, तो चलो चलो जल्दी चलते हैं। टिंग टिंग टिंग। हे, रुको, मेरा अभी भी होमवर्क बाकी है। ओ, अब मैं क्या करूंगी? चलो मैं नेवरलैंड में थोड़ा वक्त निकाल कर इसको खत्म कर लूंगी। ओ, अरे नहीं, मुझे लगता है मैं वो भूल गई। ओ, मेरी कैची। अगर तुमने उड़ते वक्त ध्यान नहीं दिया तो किसी को चोट लग सकती है, समझी तुम? थैंक यू टिंकरबेल। कैसी हो तुम लोग? हाय, तो क्या अब हम चले? क्या सब तैयार? बहुत बुरी टाइमिंग है। मुझे जंगली जानवरों की माइग्रेशन के लिए तुम्हारी जरूरत होगी। वो ज्वालामुखी वाली झील से निकलने वाले होंगे और उन्हें समुद्र तक ले जाना है, ये बहुत मुश्किल होता है। चाहो तो पीटर की जगह मैं आ सकता हूँ, मतलब अगर उससे कुछ हेल्प हो पाए। सच में तुम चलोगे? बढ़िया है, वैसे भी मुझे एक म्यूजिशियन की जरूरत है। हमें अब चलना चाहिए, हुक लौटता ही होगा, लेकिन हम तुम्हें लौटने पर जरूर मिलेंगे। क्या कहती हो वेंडी? वेंडी, वो कहाँ गई? हे, तुम कोई मामूली फूल नहीं हो, तुम तो बहुत ही खास फूल हो। क्या मैं तुम्हारी ड्राइंग बना लूँ? मैं वैसे भी अपने प्रोजेक्ट के फ्रंट पेज के लिए कुछ खास ढूंढ रही हूँ। वेंडी, क्या तुम आ रही हो? हाँ, बस एक मिनट। काश मेरी कोई जेरोक्स कॉपीज होती जो मेरा सारा काम कर पाती। आओ, खजाने से है हमें प्यार और चाहिए हमें वो बार बार। सुनो मेरे यार। सब बड़े खुश हैं, बड़ा सा खजाना हाथ लग चुका है, मानो जैसे मैंने दुनिया ही जीत ली है। मेरी बाहों में आ जाओ स्मिथ। हमारे कैप्टन वा खुश तो हम खुश है, हालांकि उस संदूक वा को खोले बगैर जीत का जश्न नहीं मनाएंगे। याद रखिए, जो नक्शा यहाँ तक लाया है वो हमें आपकी चाय में मिला है, हमार मानो तो आपकी काली चाय में कुछ सफेद है। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तुम भी हमारे साथ चल रही हो ना? तुम्हें क्या लगता है, मुझे भी उन रहस्यमय जंगली जानवरों को देखना है। हे, क्या मुझे भी एक पंख मिल सकता है? मैं नहीं चाहती कि वो डर जाए। हे, रुको, पीटर, माइकल, मुझे मेरा फेरी डस्ट नहीं मिला। कैसे हो नाकामयाब लुटेरो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो सर में बजने वाले ढोलको? हम वो खजाना लेने आए हैं जिसे लेने हमने तुम गधों को भेजा था। हमारे पास खुद की बोट नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि तुम्हारा इस्तेमाल किया जाए। हम जानते थे। दुनिया के सबसे महान कैप्टन हुक से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है, अभी दिखाता हूँ।
अरे कैप्टन वाह, बुरा मानो तो आपने चुप बैठो बेवकूफ कहीं के। हैं? अरे ये क्या है? हैं? देखो तो, अरे कैप्टन वाह, ये बम हमारे जहाज से जुड़ा है। पहुंच के चिट्ठी जरूर भेजना कैप्टन। तो हमारे शानदार सरप्राइज के बारे में क्या ख्याल है कैप्टन? वाह वाह, आज आपका जन्मदिन है। अब बहुत हो गया, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, ना खजाने के बारे में, ना लुटेरों के बारे में, और ना ही जॉली रॉजर के बारे में। अब सुनिए तो कैप्टन वाह, मैं कोई कैप्टन वैप्टन नहीं। गुस्सा थूक दीजिए कैप्टन वाह। मैं कोई कैप्टन नहीं हूँ, मैं लूटने का धंधा छोड़ने वाला हूँ। ये सिमरन तो चली, गुड बाय। बिना कैप्टन के अपुन क्या करेगा भाई? मुझे डर लग रहा है, मैं जमीन पर तैरना नहीं जानता हूँ। कितने सुंदर है। मुझे तो लग रहा था जैसे हमें कुछ ज्यादा जंगली देखने मिलेगा। थोड़ा और इंतजार करो वेंडी। म्यूजिक की मदद से वो समुंदर के रास्ते में आने वाली बाधाओं के लिए वो भेस बदलते हैं। चलो तुम भी बचाओ। हाँ। वाओ। मैं वॉल्केनो की तरफ जा रहा हूँ लिली की मदद करने, तब तक क्या तुम इसका ख्याल रखोगे? प्रॉमिस पीटर। ओके बाय बाय। बलून वाले कैप्टन, ज्यादा मस्ती मत करना, मेरी नजर है तुम पे। ये क्या है? चॉली रॉजर, आखिर तुम सब लोगों को क्या हुआ है? पीटर वाह के मजाक के बाद हमारे कैप्टन वाह हमका छोड़ के चले गए। वो अब लुटेरे होने के काम को टाटा कह गए। अब उनके नाव जमीन पे आ गए, लिए धंधा मंदा हो गया भाई। तुम ऐसे नहीं रह सकते, जहाज की जगह जंगल में नहीं है। अयो ये तो इधर सोता जी, इसको उठाना नामुमकिन है। ये यहाँ इस पेड़ के नीचे कुछ ज्यादा ही देर सो गई होगी। तो ग्रेट चीफ कहते हैं कि वो झाड़ के नीचे सपना अच्छा आता है। इसे नेवट्री लेके जाओ, तब तक मैं पीटर को लाता हूँ। चिंता मत करो वेंडी, सब ठीक हो जाएगा। अब एक नई धुन बजाते हैं। हिस्सा सबसे मुश्किल है, गिलहरियां अक्सर जंगल में गुम हो जाती हैं। हमें पूरी तरह से चौकन्ना रहना ठीक होगा। है, मैं इस तरफ जाता हूँ। तुम पीछे से आने वाले जानवरों पे नजर रखना, मैं बीच पे जा रही हूँ, शायद कुछ जानवर वहाँ पहुँच गए होंगे। क्या तुम सुन सकती हो? वो लोग जंगल में पहुँच चुके हैं। नहीं, मुझसे ये कभी नहीं होगा। यहाँ और यहाँ, लो हो
ही गया। जहाज की हालत इतनी भी बुरी नहीं है, अगर हम इसे वहाँ तक भी ले जाएं, तो वो अपने आप फिसल कर समुद्र में आ जाएगी। उससे आसान होगा हम ही जहाज को बोतल में डाल दे, क्या कहती हो? ओ चलो भी, थोड़ी कोशिश तो कर लो। चलो अब उठो, जॉली रॉजर को तुम्हारी जरूरत है। सारे हथियार लो और चलो काम पर। बंदा तैयार है कैप्टन। मानना पड़ेगा ये टोपी इस पर बहुत जच रही है। हाँ कैप्टन सही बोली, चलो जहाज को बचा ले। हाँ। जारो सौरो जो भी डब्बे मिले सारे उठा कर लेकर आओ। चलून ड्रैगन एसबोर्न बाम्बू से एक कट्टा बनाओ और धक्का मारने के लिए लकड़ी ले आओ। और तुम मिसेस मी, मेरे इशारे पर तुम जहाज को दिशा दोगे। हमारे नाड़े की तरह ये प्लान ढीला है। वेंडी, तुमने बहुत ही मजेदार किस्सा मिस कर दिया। तुम्हें हुक का चेहरा देखना चाहिए था जब उसकी बोट समंदर से फुर हो गई। आते वक्त तुमने जंगली सुअर देखे? तो अब हम लिली के पास वापस जा सकते हैं। तुम बहुत बढ़िया फ्लूट बजाती हो। लगता है जैसे तुम ये सालों से कर रही हो। चलो चलो आगे बढ़ो जल्दी। थैंक्स, मुझे लगा ये कभी हाथ नहीं आएगी। तुमने अपनी बांसुरी क्यों नहीं बजाई? मुझे मिली ही नहीं, शायद पेड़ पर चढ़ते वक्त मेरी जेब से वो नीचे गिर गई थी। हाय लिली, लगता है मैं सही वक्त पर आया हूँ। हाय, मुझे लगा तुम मुझे भूल ही गए। देखो वहाँ उस तरफ पानी में कुछ तैर रहा है। वो तो एक जाली है, उसमें तो बेचारी मछलियाँ। वेंडी रुको, तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। सभी जा चुके हैं, ये बस आखिरी बची है। हाँ वेंडी, अगर तुम यहाँ पर हो तो पीटर के साथ कौन गया है? हा? संभाल कर पीटर, मैं आ रही हूँ। तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारी जुड़वा बहने हैं? ओए माँ, लगता है अब जाल में कुछ फंस गया है। मोगैम्बो की कसम, इन कमबख्तों की इतनी हिम्मत कि मुझे इस्तीफा देने के बाद भी परेशान करने आए। मेरी मछलियों को चुराने का अंजाम दिखाता हूँ। जल्दी करो, हमें इन मछलियों को आजाद करना है। पीटर, तुम सुन भी रहे हो या नहीं? बहुत अच्छे, गुड लक मेरे दोस्त। कैप्टन हुक। पीटर अब पासा पलट चुका है, समझे? पीटर, ये लो। देखो तो सही, लगता है सब मेरे मेहमान बनकर आए हैं। जल्दी करो, हमें उन्हें वहाँ से निकालना होगा। नहीं, हुक को हम दोनों नहीं संभाल पाएंगे, हमें मदद की जरूरत है। दम लगा। एक आखिरी बार, बस हो ही गया। दम लगा के सुनिए मिस्टर स्मी, जॉली रॉजर निकलने के लिए तैयार है, बस हमें इसे खींचना होगा। चलो सब काम पे लग जाओ। ये लड़की तो बेशकीमती है, मेरे 60 सालों के तजुर्बे में मैंने ऐसा कभी होते नहीं देखा। शुक्रिया वेंडी, तुम एक अच्छी नौकर हो। कोई बड़ी बात नहीं सड़े हुए अंडे। जाओ जाकर अपना काम करो, बड़बड़ मत करो। ये काम तो खत्म हो ही नहीं रहा। जी नहीं, हमें बस थोड़ी प्लानिंग की जरूरत है। तुम्हारी बहन ठीक है माइकल, लेकिन वृक्ष के साए ने उसके मन में बहुत सी हलचल मचा दी है। मुझे इस वक्त 2 नहीं 4 वेंडी दिख रही हैं,
और वो सभी डेजर्ट आइलैंड पर हुक की कैदी हैं। चार और तीन वेंडीज लुटेरों के साथ हैं। लुटेरों के साथ? हाँ, वेंडी तो महामारी बन गई है। नेवरलैंड में इस वृक्ष के नीचे जो सपने हम देखते हैं वो सच हो जाते हैं। अगर तुम चाहते हो मैं इसे जगा दूं, तो इसके सपनों में जितनी भी वेंडीज हैं उन्हें एक होना होगा। ओ नो, नहीं! चार! वहां देखो, जल्दी चलो, लुटेरे जॉली रोजर को समंदर में उतार रहे हैं। काश मुझे पता होता हम जंगल में नाव चलाएंगे। मैं तो बहुत थक गया यार। हम तो पहले ही कहत रहे। वेंडी कहाँ है? तुम्हारा मतलब हमारी कैप्टन? वो अपने कमरे में सबके लिए खाना बना रही हैं। वेंडी, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। चाय पियोगे? नहीं, थैंक्स। पूछने के लिए थैंक्स वेंडी। तुम सब वेंडी के सपनों से भाग गई हो। तुम बस एक तरह के काल्पनिक वेंडी हो। अगर तुम सब एक नहीं हो गई, तो मेरी असली बहन वेंडी हमेशा सोती रहेगी और वो कभी हमारे साथ लंदन वापस नहीं आ पाएगी। ये सब क्या चल रहा है? माइकल बस थोड़ा परेशान है। कैप्टन हुक ने काल्पनिक वेंडीज को बंदी बनाकर रखा हुआ है। तुम सबको सपने में वापस लाने के लिए चीफ चाहते हैं कि तुम उधर वापस आओ। हा? क्या तुम सब लोग नहीं सुना? हमें मेरी कॉपीज बनानी बंद करनी होगी, वरना मैं कभी भी घर वापस नहीं जा पाऊंगी। कैप्टन, जहाज फंस गया है, अब हम यहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे। मैंने तुमसे कहा था हमें टोइंग सिस्टम की जांच करनी होगी और बड़े पहिए लगाने होंगे। जहाज पर व्हील लगाने का आइडिया बहुत ही अच्छा है वेंडी। ट्रैक्टिव फोर्स की कमी है। और अगर हाँ, ऑफ कोर्स, तुम्हें कॉपियन बनने जाना होगा वेंडी, तभी तुम्हें हम हुक से चंगुल से बचा पाएंगे। कमाल कर दिया। Hey, तुमसे किसने कहा कि उससे ये सारे काम करवाओ? हाँ, अपने काम से काम रखो टिंकर बेल। हा? लगता है कोई तुम्हारी सड़ी शक्ल देखने आया है कैप्टन। मेरे वफादार साथी, वो जहाज को निकालने में कामयाब रहे, अब वो चाहते हैं कि कप्तान को लेने आए हो। मेरा दिल रो देगा अब। मैं सोच रहा हूँ मैं उनके साथ चला जाऊँ और इस बेकार से आइलैंड पर इनको छोड़ दूँ। क्यों? लड़कियों, सफेद झंडा उठाओ, जल्दी करो। बहुत अच्छी, हुक हमारे झांसे में आ गया है। जो भी हो जाए, प्लान से भटकना मत। अरे संभाल कर, एक जाल है कैप्टन। वाह, गिरोह ने विद्रोह कर दिया है, बगावत हो चुकी। हम आवत है कैप्टन। वाह, मैं तुझे पानी की गहराइयों तक पहुंचाऊंगा, थुलथुले गेंडे। गुलेल से हमला करो, जल्दी जल्दी करो। हमारी हुई। बुरा मत मानिए कैप्टन वाह, लेकिन ये हमारा फर्ज है। हम आपको बताऊं, जिस जहाज को आपने अभी डुबाया वो पिछली 13 पीढ़ियों से आपके परिवार का हिस्सा था। मेरा जहाज। ये यहाँ से चलो स्पीड। जीत गए, बड़े आराम से जीत गए। अब तुम जागो, अपनी नींद से जागो। अब वो सब साथ हैं, लौट आओ वेंडी। हमने हार नहीं
अरे आओ, वो जा रहे हैं कप्तान। डक चुके। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलो चलकर असली वेंडी को मिलते हैं। ओह यस। वेंडी, तुम जाग गई। माइकल, तुम जानते हो मुझे बहुत ही अजीब सपना आया, जहाँ पे मेरे पास बहुत सारा काम था और मेरे बार बार जेरोक्स कॉपीज बनती रही। बताने की जरूरत नहीं है वेंडी, हमने सब देख लिया। और तुम्हारी हम शक्लों को लाना आसान नहीं था। तुम्हारा मतलब है तुम वो सब कर रहे थे जो मैंने अपने सपने में देखा? क्या सच में? बताओ मुझे। वाओ, तुम दोनों गजब के हो। आई लव यू बोथ। हे बच्चों, मुझे बताओ आज कौन सी कहानी सुनना पसंद करोगे? बॉयज, बॉयज, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? पीटर, उठ जाओ। पीटर, जागते हुए सपनों की दुनिया वहां है। जबकि मैं हमेशा उसका साथ देती हूँ। सारे मेरे दोस्त हैं बेकार, बेकार, बहुत बेकार। बेकार? कौन बेकार है जॉन? शायद वो आना की बात कर रही है। बस करो, मुझे उस लड़की का नाम कभी नहीं सुनना। हाँ, वही है। यकीन नहीं होता उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है। उस लड़की ने मुझे धोखा दिया। मुझे अकेले डांस करना पड़ा पूरी स्कूल के सामने। वो कितना एम्बैरेसिंग था। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है वो जानबूझ के कभी ऐसा नहीं करेगी। नहीं नहीं नहीं, सब साफ नजर आ गया है। दोस्त बेकार होते हैं। मुझे अब कोई दोस्त नहीं चाहिए। वेंडी, सच में? हाँ। कैसे हो दोस्तों? हाय पीटर। हेलो पीटर। क्या हुआ, इतना ठंडा रिएक्शन? अच्छा, जानते हो सिंथिया ने कैप्टन हुक को डराने के लिए कुछ बहुत खास बनाया है। ठीक है, अच्छी बात है। मुझे तो सोचकर ही मजा आ रहा है कि वो लल्लू कैप्टन कैसे चिल्लाने वाला है। वो कहती है कि उसके सारे दोस्त बेकार हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं भी तो हूँ। hey! चलो मैडम, तुम बाद में पढ़ लेना। छोड़ दो मुझे। मुझे नीचे उतारो। मुझे नहीं चलना है। मुझे अकेला छोड़ दो। क्या तुम अब भी नाराज हो? पीटर। hey, पीटर आ गया। हाय पीटर। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तो तुम में से कौन कौन उन लुटेरों को डराने के लिए तैयार है? हम हैं। और तुम्हारा क्या ख्याल है, मजा आएगा है ना? वेंडी को मजे नहीं करने हैं, और अगर वो नहीं आना चाहती तो वो यहीं रह सकती है। नहीं टिंकरबेल, हम सभी साथ में जाएंगे। अरे, ये क्या है, क्या है ये? अरे स्मी, यहाँ स्मी, ये कैसी आवाजें आ रही है? स्मी, मैं सर्कस में काम कर सकता हूँ? नहीं, हम आ गए हैं कप्तन वा, काफी गवा। स्मी, हे इसे देखो, आज हम पायरेट्स को मिले हेलीकॉप्टर से जाएंगे। ये
वेंडी, तुम्हें भी यहाँ आना चाहिए। सर प्लीज। ये लो, ये तुम्हारे लिए है वेंडी। थैंक्स। वो मेरी दोस्त है, वो मेरी दोस्त नहीं है। वो मेरी दोस्त है, वो मेरी दोस्त नहीं है। वो मेरी दोस्त है। वेंडी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें उसे मुझ पर फेंकना नहीं चाहिए था। अब बस भी करो लड़कियों, शांत हो जाओ। जितनी भी लड़ाई करनी है उन बदमाशों से कर लेना। घबराइए मत कैप्टन वा, थोड़ी सी सफाई और दुनिया की होगी भलाई। अरे इस आवाज से मेरा सारा दुख है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये है क्या अस्मी, क्या है ये? ये तो हमारे ख्याल से ये तो अरे ये क्राकन है, एक भयानक राक्षस वा है। वो है ना वो बड़ा सा बुलबटला जो नाव पर खटखटा कर उका पानी मा ले जावे की धमकी देत रही। खतरनाक राक्षस वा, उसे कोई नहीं बचता। नहीं नहीं, वो नहीं हो सकत है, वो तो सिर्फ परियों की कहानी में होत है। क्यों कैप्टन वा? नहीं आ? नहीं आ? नहीं मम्मी। ये खेल ही बेकार है। बैठो ललिता। चारो हमें तो से काम नहीं देता, आई बिजी है। अरे हेलो, अरे ये क्या कर रहे हो? हमारे कैप्टन वा की हिम्मत बढ़ाने के लिए हमें घोल चाहिए, लेकिन किसी से मत कहना, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। और काम बन जाना चाहिए। तुम्हें आई गॉड लगता है? जैक सौरव के मोजे ये डालना जरूरी है का? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो भी पीटर के दिए गए तोहफे के साथ। शर्मानी चाहिए तुम्हें। ये सही कह रही है, तुमने अच्छा नहीं किया। क्या यकीन नहीं होता? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है पीटर? ये बहुत बहुत ज्यादा गलत है। थोड़ा ज्यादा हो गया ना? हाँ, देखा तुमने, वेंडी ने टिंग के प्यारे से चेहरे पर हमला कर दिया। पीटर, तुम्हें इसे नेवरलैंड से निकाल देना चाहिए। सच में मुझे बैन करोगी? कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वेंडी, माफ करना। वेंडी, ठीक है कैप्टन वा, स्मी की खातिर पी जावो। जारो ने आपके लिए चाय बनाई है, ये आपको हिम्मत देगी। प्लीज। अरे एक चम्मच चखेंगे, डर को अपने से दूर रखेंगे, हवा के साथ फुर उड़ जाएंगे कैप्टन वा। चलिए मुंह खोलिए, उड़न खटोला आ रहा है। हमारे खातिर एक चम्मच लीजिए, लीजिए कैप्टन वा, हुक मिटवा, एक गिर ही खा लो। आए चलो चलो। या तो तुम नहीं या मैं नहीं क्रैकन, आजा तुझको पुकारे मेरा हुक रे। कोशिश ही नहीं करने थे रे। टिंकरबेल, ये तुमने जानकर किया ना? मैं जानता था। अब हमें पूरा दिन उसे ढूंढने में लगाना होगा, जिसका मतलब लुटेरों का हम मजाक नहीं उड़ा पाएंगे, कोई मजा नहीं आएगा। रुक जाओ, मेरे पास एक तरकीब है। तुमने उसे भगाया तो तुम ही उसे वापस लाओगी। क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा पीटर, प्लीज प्लीज पीटर। चलो दोस्तों, हम चलते हैं। ये गलत बात है, उस बेवकूफ लड़की की वजह से ये सब हो रहा है। और अब वक्त है मजे करने का। जरूर उन लुटेरों का डर के मारे बुरा हाल हुआ होगा। पानी में रहने वाला जीव हमें डराएगा क्या?
उसने गलत बंदों से पंगा लिया है, उसके प्यास हम बुझाएंगे, समझे? क्या हिम्मत आई है हमारे कैप्टन में, और ये सब सिर्फ मेरी चाय से हुआ। हम उसकी आंखें निकाल कर गोटियां खेलेंगे, उसके हाथ को काट कर डांडियां खेलेंगे। उस जानवर को पता नहीं है उसकी मौत किसके हाथों लिखी है, समझे मेरे साथियों? और आज का मेन्यू है उस जानवर के टिक्के कबाब। चलो, चलो, चलो सभी नाव में बैठो। बैठ मैं गुड़ गुड़। बढ़िया, मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर जा रहे हैं, एक के बाद एक, यकीन नहीं होता। वाह, वेंडी, वेंडी! उस बेवकूफ लड़की को ढूंढने में टिंग को अपना वक्त बर्बाद करना पड़ रहा है। छोड़ो मुझे, छोड़ दो प्लीज। किसी का मूड खराब है क्योंकि वो फंस गई है। यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। सच में मुझे तो लगा जरूरत है, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं चली जाती हूँ। नहीं रुको, सोचो मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी तो पीटर क्या कहेगा? अच्छा, मैं इतनी नन्ही सी हूँ और नेवरलैंड इतना बड़ा है, तो शायद पीटर मुझे दुखी देखकर ये समझ जाएगा कि मैं तुम्हें इस बड़े से नेवरलैंड में ढूंढ ही नहीं पाई, और तुम यहाँ फंसी रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन लेकिन क्या? जैसा मैं कहूँ वैसा करो तो शायद मेरा मन बदल जाए। अरे कहाँ है वो बज्जात क्रैकन? उधर। अरे क्या ये वो डरावना राक्षस है? मैंने तो सोचा कुछ बहुत। बेवकूफाना बात मत करो डिब्बे कहीं के, ये देखने से ही पता चलता है कि ये कोई पीटर पैन का बिछाया जाल है, समझे? और वो हमें हमेशा की तरह बेवकूफ बनाना चाहता है। अब पता चलेगा असली बेवकूफ कौन है। आप चतुर हैं, मगर आपकी हंसी में दम नहीं है। आवाज की गहराई से हंसिए ना कैप्टन वा, प्लीज। मेरे पीछे आओ। सब लोग आराम से चलो, शोर मत मचाओ। देखो देखो मेरे साथियों को खा लो मेरे भाई। कैप्टन मस्ता बहुत अच्छे एक्टर है, पर मुझे मत खाना। तुम मेरे साथियों को खा जाओ पर मुझे नहीं। मेरे लिए रुको, रुको ना। चलो दोस्तों ठीक है, चलो चलो चलो। लेकिन हाँ, वो कहां पर है? अजीब बात है। हमला! क्या बात है, क्या बात है! मैं भी कमाल का बंदा हूँ। मेरे शातिर दिमाग की वजह से अब पीटर पैन का भरता बनेगा। लगता है हम तो काम से गए पीटर। अब हम क्या करेंगे? तुम्हें कुछ पता है पीटर, मैं शार्क का खाना नहीं बनना चाहता। घबराओ मत, मैं सब संभालूंगा। शायद वेंडी और टिंकरबेल हमें बचा ले। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ होगा तो भूल जाओ, कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा। चलो हमें ही कुछ सोचना होगा। तो ठीक है बंदी, अब तुम बनोगी एक मेंढक। मैं और ज्यादा नहीं कर सकती, तुमने मुझे तोता, मुर्गा और घोड़ा बना दिया। अब मुझे सिर दर्द हो रहा है। ओ बेचारी वेंडी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ।
वो देखो, इससे तुम अपने बाल पीछे करके मेंढक बन सकती हो। याक, ये बदबू तो गंदे कूड़े कचरे की है। तो वेंडी, तुम्हें तुम्हारा वादा याद है ना? भूल तो नहीं गई? मैंने चाय बनाई है। चाय में अदरक नहीं डाली, ये क्यों किया? मुझे अदरक वाली चाय पसंद है। सुनो सुनो, एक खुशखबरी है, मीठा खाने के बाद ये बदमाश पानी में चले जाएंगे। हो क्या था? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। मेरे माँ के बर्तन नहीं। ये लो, पकड़ो। मम्मी, जरा इसे पकड़ कर दिखाओ। बेवकूफ, तुम्हें क्या लगा हुक में कोई बात नहीं है? लेकिन पीटर पैन वाली बात कहाँ अंकल? कैप्टन तंदूरी कौन खाएगा? हमला। नहीं, अरे जानती हो क्या, मुझे अब ये खुशबू पसंद है, इससे सर दर्द चला जाता है। यूहू, सुंदर लड़की, पानी में एक डुबकी तो लगा लो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। प्रिटी गर्ल, मुझे तुम सबने क्या समझ रखा है? मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है, एक डुबकी तो बनती है। बस बहुत हुआ टिंक, ये कुंड खतरनाक है। पकड़ लिया। वाह, अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो मैं बुरी टैंक बन जाती। अच्छा हुआ तुमने सब संभाल लिया। पर याद रहे, ये सब तुम्हारी गलती थी। ओह बिल्कुल। टैंक, मेरे लिए रुको। अरे बचाओ, भागो, सावधान मेरे साथियों, कैदी भाग रहे हैं। नहीं, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी शरारती लड़के। कीड़े कहीं के, तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मर्दों की तरह मेरा सामना कर सको, समझे? कम ऑन पीटर, उसे मजा चखा दो। मम्मी, तुम बहुत अजीब लग रहे हो। बड़बाक, ओए छोड़ो मुझे। अभी तो मैंने पकड़ा है। ओ नहीं, पीटर! हमारे दोस्त खतरे में हैं और हम आपस में लड़ रहे हैं, हमें जाना चाहिए। हमारे दोस्त? तुम्हारा तो कोई दोस्त ही नहीं है। बेशक मेरे दोस्त हैं। पता है क्या, अगर पीटर मेरी जगह पर होता तो वो मुझे बचाने के लिए पक्का आ जाता। मुझे अब एहसास हुआ, मैं बस गुस्से में थी। तो क्या तुम मेरा साथ दोगी पीटर के खातिर? पीटर की खातिर। मेरे प्यारे शार्क्स दोस्तों, तुम्हारा खाना आ गया है। कोई तो रास्ता होगा। वो बहुत भारी है पीटर। देखो वहाँ पर टिंकर बेल है। सावधान, पकड़ो उसे। छिप जाओ। ललिता टाकी चुकी। आओ, अरे नहीं। हे हुक, मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता, समझी?
हार मान लो वरना तुम्हारी इस दोस्त को मैं चीर दूंगा, समझी? इसकी बात मत सुनो, जाओ पीटर को बचाओ। बिल्कुल नहीं, मैं बता रही हूँ ये ऐरा गहरा लुटेरा तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। ऐरा गहरा लुटेरा, बदतमीज, बददिमाग, बेवकूफ लड़की। मजे करो, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। अरे ए, रुको नहीं। अरे नहीं। शुक्रिया। बेवकूफ बेअकल लुटेरे कहीं के। शहर के नाश्ते का टाइम हो गया। नहीं। तुम जानते हो क्या करना है? ये मुझसे बचकर नहीं जा सकते। अच्छे गर्ल्स, कैप्टन आज का दिन जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ओह नो। सुनो, जरा यहाँ देखना। चलो दोस्तों वापस लौट चले। आज तुम चखोगे शेफ की खास डिश। दोस्त भी बड़े अजीब होते हैं, कभी तुम्हें सताते हैं तो कभी तुम्हें मुसीबत में डाल देते हैं, लेकिन जरूरत होने पर काम आते हैं। अगर चाहो तो मैं सब कुछ अकेले ही कर सकती थी, लेकिन वेंडी ने मदद करने के बजाय मेरी ड्रेस खराब कर दी। तुम कभी नहीं बदलोगी, है ना टिंकरबेल? लेकिन तुम जैसी हो हमें पसंद हो। आना का कॉल है, मैं क्या कहूँ? वो भी तुम्हारी दोस्त है ना? हेलो। हाँ, और फिर हमारा ड्यूएट मेरा सोलो डांस बन गया। क्या तुम बीमार थी? लेकिन इस बारे में बता तो देती। मुझे लगता है मेरा फोन स्विच्ड ऑफ रह गया। हाँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। क्या जस्टिन का नया वीडियो सोशल मीडिया पर? सच में सो कूल, वो मुझे बहुत पसंद है, उसका नया हेयर स्टाइल देखा। चलो दोस्तों, लगता है वो काफी देर के लिए बिजी रहने वाली है, मैं चलता हूँ।